हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ के अंदर अगर मुझे A4 शीट पे बनाना हो एक पैटर्न, जो कि हम सब देखे हैं स्कूल के जो कॉपीज होती हैं जहाँ पे लाइंस होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये मुझे बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। और शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस जरूर कीजिएगा हाल में, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। ये मैंने कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो ये डिज़ाइन बनाना है ये प्रिंट आउट किस पर निकालना है। तो मेरे पास प्रिंटर है जहाँ पे मुझे A4 शीट्स है मेरे पास, बट वो वाइट ब्लैंक है, तो उस पर मुझे ऐसा पैटर्न लेके आना है ताकि मुझे 50 शीट्स प्रिंट कर सकूं अपने किसी वेल विशर के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने खुद के लिए लगा लीजिए। तो अगर मुझे को ऐसी शीट्स चाहिए तो मुझे जाना पड़ेगा दुकान पे, वहाँ से लाना पड़ेगा, तो मैं खुद भी निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास प्रिंटर है तो मैं खुद निकालने वाला हूँ। तो कैसे बनेगी चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं यहाँ पे लूँगा साइज A4, तो मैंने यहाँ पे शीट के लिए रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे ये बनाया। अब A4 का साइज क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे करूँगा पिक टूल लेके बार क्लिक करूँगा, जिससे कि मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है, A4 साइज का आ रहा है, ये पेपर साइज की बात कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए इसका साइज आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो इसका साइज आ रहा है, और अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा विच मीन्स अब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, अब ये बात कर रहा है A4 साइज की। तो A4 पेज का साइज क्या है, 8.268। तो मैं यहाँ का साइज चेंज करता हूँ कितना, 8.268, और विड्थ की बात करता हूँ विड्थ कितनी है, 11.693। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 11.693 एंड एंटर। तो देख पा रहे हैं ये A4 साइज 8.268, क्लिक कीजिए 8.268, 11.693 विच मीन्स कि मैंने साइज सेट कर लिया। तो ये जो पेपर है मेरा, जो शीट बनी है, A4 साइज की बन गई। अब आप चाहे यहाँ रख के डिज़ाइन कीजिए, चाहे यहाँ रख कीजिए, बात एक ही है। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मुझे पैटर्न तैयार करना है। अब इसमें क्या है, देखिए नंबर ऑफ लाइंस हैं, एक लाइंस आपकी आ रही है इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर, एक आ रही है आपकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर। तो ये किस तरह से लेंगे, पहले हम लाइन की बात करते हैं। मैं लूँगा यहाँ पे F5 फंक्शन की, ये लिया मैंने, ये होता है फ्री हैंड टूल होता है बेसिकली। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं इतना साइज देखूँ तो ये मेरा हो गया रेड लाइन के लिए, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ रेड लाइन के लिए। इसके बाद स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करूँगा और सीधा आगे लेके छोड़ दूंगा। अब इसका साइज़ क्या है मुझे नहीं पता, तो मान लो साइज़ का बड़ा हो गया, कोई इशू नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका आप नापिए कि इसकी विड्थ का साइज़ कितना है। इसका साइज़ है विड्थ का 8.268, तो लाइन का भी कितना होना चाहिए, 8.268। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 8.268, तो ये मेरी साइज़ बन गया। अब मेरे को इसके साथ रखना है, तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया और शिफ्ट के साथ क्लिक किया इस ऑब्जेक्ट को, तो दोनों ही सिलेक्ट हो गए। अदरवाइज मैं पिक टूल लेके दोनों को ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो जो इस रेक्टेंगल टूल के अंदर आएंगे, जो डॉटेड लाइंस आ रही हैं, ये दोनों को कर लेगा सिलेक्ट। अगर तीन होंगे तीन, अगर चार होगा तो चार, तो यहाँ पे दो थे तो दोनों सिलेक्ट हो गए। प्रेस करूंगा सी फॉर सेंटर, तो देखिए ये सी सेंटर ऑटोमेटिकली हो गया। अब क्या है कि मुझे लाइंस और लेके आनी है, कितना गैप चाहिए वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे लेके आनी है तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, बहुत टाइम खराब होगा, मैं यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो प्रेस किया मैंने ऑल्ट के साथ F7, जैसे आप प्रेस करेंगे ये आपका आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको ऊपर को ले जाना है, राइट को ले जाना है, लेफ्ट को ले जाना है या नीचे को ले जाना है, तो मुझे ले जाना है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर ले जाना है ना, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस। अब ये गैप है 0.0 का, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कितने का, -1 का, विच मीन्स कि 1 इंच के गैप के बाद फिर लाइन आए, तो कितनी आए, एक ही आए, अप्लाई करता हूँ। तो देखिए 1 इंच के बाद एक लाइन आ गई। अब गैप मुझे कम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे 5 कॉपीज चाहिए, बट मेक श्योर कि जो गैप हो -1 का ना हो बल्कि -5 का हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -0.5 कर दूंगा, तो आधे इंच का गैप आएगा। तो आधे इंच का गैप तो बहुत ज़्यादा होता है, जितना भी आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ 0.23, तो मैं इसको और कम करता हूँ, 0.3 कर देता हूँ। 5 कॉपीज, जितनी कॉपीज चाहिए आप क्लिक करते जाइए, एक ही बार में आपका ये सारा सेट हो जाएगा। और जो लास्ट लाइन है मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिमूव। तो देखिए लाइन सेट हो गई।
अब इसके ऊपर मुझे रेड लाइन लेके आनी है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता हूँ और इसको अप एरो की से प्रेस करके इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब इसका मुझे कलर करना है रेड, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया और करूँगा राइट क्लिक। जैसे राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, ऑप्शन आएगी सेट फिल कलर या फिर आउटलाइन कलर, मेरे को चाहिए सेट आउटलाइन कलर, मैंने क्लिक किया, ये रेड मार्क में हो गया। मुझे एक कॉपी और चाहिए, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और उसको हल्का सा मैंने ऊपर कर दिया एरो से। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको, तो मैं प्रेस करूँगा जेड की और आप देखिए इसको, तो ये पैटर्न आपका बन गया। रेड लाइन को और छोट कम ज़्यादा करना है तो आप रेड लाइन ऊपर या नीचे जो भी आपको चाहिए छोटी बड़ी आप कर सकते हैं। और इनकी विड्थ अगर बढ़ानी है तो दोनों को क्लिक करने के बाद इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से इसके जो विड्थ है, दो की जगह पर मेरे को 25 चाहिए या फिर 25 की जगह पर 0.5 चाहिए, तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा हॉरिजेंटल। अब मेरे को चाहिए वर्टिकल इस तरह से, तो मैं यहाँ से लाइन कोई भी एक पिक कर लेता हूँ। एक पिक करने के बाद मैं प्रेस करूँगा क्या, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट, इसको नीचे ले आता हूँ हल्का सा और यहाँ पे मैं लेता हूँ एंगल, तो इसको मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री पे, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। और उसका गैप कितना चाहिए, 0.5। अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस पेपर को, अब इसका साइज़ क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको साइड पे लेके आऊँ, इसका साइज़ क्या था हाइट में, 11.693, तो इसका साइज़ भी सेम करूँगा कितना, 11.693 एंड एंटर। इसके बाद मैं उठा के इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब मेरे को सेंटर करना है इस तरह से, है ना, तो मैंने इसको लिया और क्लिक करके शिफ्ट कर इसको क्लिक किया। मैं प्रेस करूँगा टी फॉर टॉप, तो देखिए ये टॉप हो जाएगा। अगर बी करूँगा तो बी फॉर बॉटम हो जाएगा। पहले मैं अंडू करता हूँ, अब बी करूँगा तो देखिए बॉटम हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल हैं तो आप इसको जेड प्रेस करके मैनुअली आप इसको अपने हिसाब से नीचे ले आइएगा इस तरह से। और इसकी जो विड्थ है सबकी 0.5 थी, तो यहाँ भी मैं 0.5 ही करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट और राइट एरो की से इसको हल्का सा मूव कर दूंगा आगे की ओर। तो अब आप देखेंगे ये मेरा ऑब्जेक्ट पूरा पूरा बन गया, ये पेपर बन गया। अब मुझको करना है यहाँ पे लिखना है जो ये बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल जो है आपका, उसके जो कॉर्नर्स है राउंडेड है, बीच में लिखा हुआ है डेट और पेज नंबर। तो मैं यहाँ पे लूंगा रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, फंक्शन की F6, ये क्लिक करो और जितना भी आपको बॉक्स बनाना है उतना आप बॉक्स यहाँ पे बना लीजिए। और पिक टूल लेने के बाद इसको डाउन नीचे कर लीजिए। अब क्योंकि ये देखिए सेट नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कई मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये स्नैप टू हो रखा है। तो आप व्यू में जाके यहाँ पे जो आ रहा है स्नैप टू ना, इसको ऑब्जेक्ट को सबको ऑफ कर दीजिए। मैंने यहाँ पे किया ऑफ, अब देखेंगे आप, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको रखा मैंने यहाँ पे साइड पे, नहीं तो आप मैनुअली जो है अपने एरो की से भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड माउस से जो एरोज की होती है वहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं मुझे घुमाने हैं, तो इसके कॉर्नर जो है कैसे घूमेंगे देख लेते हैं। पहले इसको सेंटर कर लेता हूँ मैं, तो इसको अप एरो की से ऊपर ले गया और इसको साइड पे ले आया। अब मुझे कॉर्नर्स घुमाने हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको किया पहले ग्रुप टुगेदर, चारों घुमा दिए मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको जो रेडियस है इसको वैल्यू को बढ़ाऊंगा। देखिए ये चारों कोने मुड़ गए आपके। इसके बाद वो टाइप करना है, तो मैंने यहाँ लिया टेक्स्ट टूल, यहाँ फिर आप प्रेस कर सकते हैं F8। यहाँ पे लिखा मैंने क्या, पेज नंबर, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करके यहाँ लिखा डेट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको करूँगा कोना पकड़ के छोटा, इसको करूँगा सेंटर। आपको बोल्ड इटैलिक करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनका कलर आपको रेड करना है, तो रेड क्लिक करके यहाँ पे लूँगा मैं सेट आउटलाइन कलर। और इसका कलर रेड करना है, तो यहाँ पे करूँगा सिंपल लेफ्ट क्लिक से। इसकी विड्थ बढ़ानी है तो इसकी बढ़ा सकते हैं कैसे, यहाँ पे जो हेयर लाइन है वो आप यहाँ पे कर दीजिए 0.5 या 0.75, जो भी आपको चाहिए। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पे जूम आउट करके फिट करूँ, तो आप देखेंगे ये मेरा पूरा का पूरा पेज बन गया। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग, इसकी प्रिंटिंग कैसे आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको डिलीट। अब प्रिंटिंग करनी है, पहले फाइल करता हूँ सेव, और सेव करने पे मैं नाम देता हूँ इसका क्या, लाइक कॉपी पेजेस, और इसको मैंने किया सेव।
अब मैं जाऊंगा फाइल पे और यहाँ पे देखूंगा प्रिंट प्रीव्यू। जब प्रिंट प्रीव्यू में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैंक पेज आ रहा है, क्योंकि पेज में कुछ था ही नहीं। ऑप्शन क्या आ रही है, एज इन डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे करता हूँ तो फिट टू पेज, तो जो फिट कंटेंट होगा वो पेज के अंदर फिट कर देगा। अब जब मैं इसकी प्रिंटिंग करूंगा, सेंटर में करना है आपको, टॉप लेफ्ट में करना है, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, आप बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप फिट टू पेज कर लीजिए, नहीं तो आप सेंटर ऑफ द पेज कर लीजिए। तो जिसका पेज निकालेंगे प्रिंट A4 पे डाल के प्रिंट आउट कमांड देंगे तो आपका इस पैटर्न पे निकल के आएगा। अगर आप कमांड देंगे कलर्ड तो कलर्ड में आएगा, अगर आप देंगे ब्लैक तो फिर ब्लैक में आएगा। और ये कुछ जॉब थी जो मैंने आपको सिखाई है कोरल ड्रॉ के अंदर कि हाउ टू डिज़ाइन अ कॉपी पैटर्न इन टू द पेज, पेज के ऊपर कैसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, किसी और एप्लीकेशन के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपका बेनिफिट हो सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।